मनीष सिसोदिया उपस्थापन करिथिले आहुरी आनंद होइथांती बोली कही दिल्ली अर्थमंत्री कैलाश गहलोत बजेट उपस्थापन करिछंती। बुधवार दिल्ली एनसीआर पर 78,800 कोटी टंकार बजेट आगत करा जाइछि। विज्ञापन और प्रचार बाबद को व्यापक व्यय मंजूरी करा जाउथिबा कथारे आम आदमी पार्टी और केन्द्र सरकार को मध्यरे विवाद होई दुई दिन अचला अवस्था लागि रहिथिला। गृह स्वाभाविक हेबा परे वर्ष 2023-24 दिल्ली बजेट उपस्थापन संभवपर हो। अर्थ विभाग दायित्व में थिबा दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ हो कैबिनेट रु इस्तफा देखते स्थान में कैलाश गहलोत अर्थमंत्री रूपे नियुक्ति पाई। आज बजेट अभिभाषण देवा बेले गहलोत कहते सिसोदिया बजेट उपस्थापन करते आहुरी खुशी होती। से मोर बड़ भाई समग्र विश्वर शिशु मान शुभेच्छा प्रति रही सुनिश्चित। नया दिल्ली विधानसभा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं। मैं इस जिम्मेदारी के लिए बहुत आभारी सम्मानित और विनीत महसूस कर रहा हूं। मुझे ज्यादा खुशी होती है अगर यह बजट हम सभी के आदरणीय पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी द्वारा प्रस्तुत किया जाता। मनीष सिसोदिया जी मेरे बड़े भाई के समान ही नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। और जिस प्रकार जब श्री राम वनवास गए थे और भरत ने उनके खड़ाऊ को राज सिंहासन पे रख के उन्होंने काम किया, उसी प्रकार से उसी भावना के साथ मैं ये काम कर रहा हूं, ये बजट पेश कर रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से मनीष जी ने लाखों करोड़ों बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, उनकी नहीं उनके परिवार की, पूरे दिल्ली वासियों की, पूरे देशवासियों की, पूरी दुनिया में जितने बच्चे हैं उनकी दुआएं, उनकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वो जल्द लौटेंगे हमारे बीच। बजट अभिभाषण रे गहलोत दिल्ली रो मॉडल ऑफ गवर्नेंस को प्रशंसा करथिले। आप सरकार दुर्नीति प्रति कठोर शास्ति विधान करिछि बोली तांको बजट भाषण रे से दर्शाइथिले। दिल्ली को परिच्छन्न मनोरम एवं आधुनिक करिबा पई बजेट रे 21,000 कोटी टंका व्यवस्था करा जायछि। एई लक्ष्य हासिल पई सरकार अनेक पदक्षेप ग्रहण करिछंती बोली से कहिथिले। ब्युरो रिपोर्ट, ओडिसा रिपोर्टर।